हेलो एवरीवन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ट्यूरिंग मशीन फ्रॉम दिस लेक्चर। और हम लोगों ने अभी तक फाइनाइट ऑटोमेटा मतलब कि DFA और NFA देखा है, जो कि रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए यूज होता है। फिर हम लोगों ने PDA देखा है, पुश डाउन ऑटोमेटा, दैट इज यूज टू एक्सेप्ट द कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। इसके अलावा एक लीनियर बाउंड ऑटोमेटा होता है। ट्यूरिंग मशीन पढ़ते पढ़ते हम लोग लीनियर बाउंड ऑटोमेटा भी देखेंगे। और दिस इज यूज टू एक्सेप्ट द कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस। और जो अनरिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेजेस होती हैं उनको एक्सेप्ट कराने के लिए हम लोग ट्यूरिंग मशीन का यूज करते हैं। इसका मीनिंग ये भी है कि अगर हमारे पास एक बिगर सर्किल है और इसके अंदर एक स्मॉल सर्किल अगर रेगुलर लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो बड़ा सर्किल है वो कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को अगर रिप्रेजेंट करता है, ये वाला जो सर्किल है जो कि कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करता है, और जो आउटर सर्किल है वो अगर ये अनरिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो आउटर सर्किल है उसकी लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट कराने के लिए हम लोग ट्यूरिंग मशीन का यूज करेंगे। इसका मीनिंग ये भी है कि कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज होगी तो वो भी ट्यूरिंग मशीन से एक्सेप्ट हो जाएगी, और अगर कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है तो वो भी ट्यूरिंग मशीन उसके लिए बनाया जा सकता है, और अगर रेगुलर लैंग्वेज है तो उसके लिए भी ट्यूरिंग मशीन बना सकते हैं। इसका मीनिंग ये है कि जो ट्यूरिंग मशीन है वो सबसे ज्यादा पावरफुल मशीन है, मैक्सिमम लैंग्वेजेस इसी से एक्सेप्ट कराए जा सकते हैं। तो आइए हम लोग ट्यूरिंग मशीन के बारे में पढ़ते हैं। इसकी फॉर्मल डेफिनेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन इस लेक्चर में हम लोग एक छोटी सी लैंग्वेज लेते हैं और उसके लिए ड्यूरिंग मशीन बनाने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स से मेरे पास एक लैंग्वेज है, ए रेस्ट टू द पावर एन, बी रेस्ट टू द पावर एन, वेयर एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। इस लैंग्वेज के लिए अगर हमें ड्यूरिंग मशीन बनाना है तो सबसे पहले इसके जो स्ट्रिंग्स हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। इसका मीनिंग है कि सब जो सबसे छोटी स्ट्रिंग होगी वो ए बी होगी। अगर एन की वैल्यू 2 ओम पिक करते हैं सो ये डबल ए डबल बी होगा। अगर हम एन की वैल्यू 3x देखते हैं तो ये ट्रिपल ए ट्रिपल बी हो जाएगी स्ट्रिंग, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसका मीनिंग ये है कि ए की संख्या बी की संख्या के इक्वल है, और पहले एज आएंगे एंड देन उसके बाद बीज आएंगे। तो ट्यूरिंग मशीन में जो फाइनाइट कंट्रोल होता है उसको भी हम देखते हैं, लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि ट्यूरिंग मशीन में एक टेप भी होता है, और ये जो टेप होता है इस पे हम इनपुट स्ट्रिंग को राइट करते हैं। लेट्स से हमने इस पे इस टेप पे इनपुट स्ट्रिंग को लिया विच इज ट्रिपल ए एंड ट्रिपल बी। ये जो टेप है वो इनफाइनाइट लेंथ का है, मीनिंग इसका क्या है कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है लेंथ की, और जब हमने इनपुट ले लिया तो लास्ट सिंबल को हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। इसी तरह से जो फर्स्ट वाला सिंबल है इस इनपुट से हमने इस इनपुट स्ट्रिंग के ठीक पहले वो भी ब्लैंक होगा, और इसके पहले भी ब्लैंक होगा। बी का मतलब है ब्लैंक्स है, तो बहुत सारे ब्लैंक्स हैं इसके पहले, और जब हमारे सारे कैरेक्टर्स हो गए स्ट्रिंग के तो उसके बाद भी बहुत सारे ब्लैंक्स हैं, ऐसा हम अज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे जब हमें ट्यूरिंग मशीन एक डिजाइन करनी है और इस तरह की लैंग्वेज को एक्सेप्ट करना है तो हम क्या करते हैं, ए और बी के संख्या की हमें मैचिंग करानी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम ये इनपुट ले लें ट्रिपल ए ट्रिपल बी, तो सबसे पहले हम पहले ए को लेट्स से हम एक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, और हम आगे जाते हैं और जो फर्स्ट बी है उसको लेट्स से हम वाई में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर हम पीछे आते हैं और जो सेकेंड ए है हम उसको एक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर आगे जाते हैं हम और जो सेकेंड बी है हम उसको वाई में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर हम अगेन पीछे आते हैं और जो थर्ड ए है हम उसको एक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, और अगेन हम आगे जाते हैं और हम जो थर्ड बी है उसको वाई में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर हम एक बार फिर से पीछे आके देखेंगे तो सारे एज कन्वर्ट हो चुके हैं। एक बार हम आगे जाके फिर से देख लेते हैं क्या कोई बी तो नहीं बच गया है। अगर बी हमारा नहीं बचा है तो हम कहेंगे ये ए पावर एन बी पावर एन वाला ही स्ट्रिंग है। तो ट्यूरिंग मशीन में जो ब्लैंक्स हैं वो हमारा सपोर्ट करेगा इस तरह के एग्जीक्यूशन में। तो आइए इसको हम ट्यूरिंग मशीन से देखते हैं कैसे होगा, और हम लोग ट्यूरिंग मशीन में जो भी ट्रांजिशंस होता है उसमें हम
एक स्टेट को इन्वॉल्व करते हैं, लेट्स से द करंट स्टेट इज क्यू जीरो, और इसके बाद ये जो सिंबल है इसका मतलब है कि इनपुट क्या है. लेट्स से क्यू जीरो इज रिप्रेजेंटिंग अ स्टेट एंड ए इज रिप्रेजेंटिंग द इनपुट फ्रॉम द इनपुट टेप, और ये हमें मैप करेगा किसी एक स्टेट में. लेट्स से वो स्टेट क्यू वन है, और जो टेप का सिंबल है ए हम उसको चेंज कर सकते हैं. लेट्स से एक्स में हमने चेंज कर दिया, और इसके बाद हम डायरेक्शन स्पेसिफाई करते हैं, या तो ये डायरेक्शन लेफ्ट होगा या तो ये डायरेक्शन राइट होगा. फाइन, तो या तो ये डायरेक्शन लेफ्ट होगा या तो ये डायरेक्शन राइट होगा. तो इसको जनरलाइज फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक कुछ सेट ऑफ स्टेट्स हैं, और मेरे पास कुछ इनपुट अल्फाबेट्स आएंगे जो टेप पे होंगे, एंड दिस मैप्स टू वन ऑफ द स्टेट्स, एंड देन इस अल्फाबेट को हम किसी और अल्फाबेट में चेंज करेंगे, एंड देन उसके बाद हम लेफ्ट या राइट में मूव करेंगे टेप पे. एक छोटा सा इसके लिए ऑटोमेटा सॉरी इसके लिए ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करने के लिए मान लेते हैं कि हम क्यू जीरो स्टेट में हैं, और जो हमारा फाइनाइट कंट्रोल है वो यहाँ पे है स्मॉल ए पे है. तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इस स्मॉल ए कैरेक्टर को कैपिटल एक्स में कन्वर्ट करना है. तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्मॉल ए सिंबल आया, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है कैपिटल एक्स में, और हम मूव कर गए हैं स्टेट, हम मूव कर गए हैं लेट्स से राइट के लिए. एक्स को चेंज माने एक्स ए को एक्स में कन्वर्ट करते ही हम आगे राइट की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं. राइट मतलब इस स्मॉल ए की जगह. अब हमें क्या करना है कि जो पहला ए हमने कन्वर्ट किया है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें बी भी लेके आना है. जितने भी एज हैं हम उनको स्किप कर देंगे, ए को ए ही रहने देंगे और राइट की तरफ चलते हैं. ए को ए रहने देते हैं, राइट की तरफ चलते हैं, और अब हम बी पे पहुंच गए. जैसे ही हम बी पे पहुंचेंगे इसको लेट्स से हमने वाई में कन्वर्ट कर दिया, और फिर लेफ्ट की तरफ चलेंगे. लेफ्ट की तरफ क्यों चलेंगे, क्योंकि ए के कॉरस्पॉन्डिंग हमने बी को वाई में कन्वर्ट कर दिया है. तो लेट्स से हमने जो पहला बी है उसको वाई में कन्वर्ट कर दिया है. एक ए के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक बी मिल चुका है, और जैसे हम इसको वाई में कन्वर्ट करेंगे हम पीछे आ जाएंगे. सो लेट्स से हम क्यू टू स्टेट में आए हैं पीछे. स्टेट का नंबर बढ़ सकता है घट भी सकता है, और लेफ्ट और राइट मूवमेंट का ये मतलब नहीं है कि हमें लेफ्ट और राइट ट्रांजिशन डायग्राम में भी शो करना है, ऐसा नहीं है. तो केवल टेप के मूवमेंट्स टेप्स का मूवमेंट लेफ्ट राइट दोनों हो सकता है. नाउ जो पहला बी है उसको हमने वाई में कन्वर्ट करके हम पीछे आ गए हैं, लेफ्ट की तरफ आ गए हैं. लेफ्ट में जो ए सिंबल है उसको हम ए ही छोड़ देंगे, और अगेन लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे जब तक हम एक्स तक ना पहुंच जाए. तो अगेन हम ए को ए में छोड़ देते हैं और लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं. अब हम एक्स पे पहुंच गए. इस एक्स पे पहुंचने का मतलब क्या है कि इसके जस्ट राइट में जो सिंबल होगा वो सेकेंड ए होगा. तो सेकेंड ए के कोरस्पॉन्डिंग भी वही एक्शन होगा जो फर्स्ट ए के कोरस्पॉन्डिंग हुआ था, इसलिए हम क्यू टू से क्यू जीरो स्टेट पे मूव कर रहे हैं. तो जैसे मुझे एक्स मिला मैंने इसको एक्स में ही कन्वर्ट कर दिया, और हम राइट की तरफ मूव कर रहे हैं. अब मुझे अगेन ए मिला, मैंने इसमें से डिमार्केशन हटा देता हूँ. तो अभी मेरे पास जो स्टेट है वो ये वाला है. इस ए को हम एक्स में कन्वर्ट करके आगे की तरफ चलते हैं, इसका मतलब क्यू जीरो से क्यू वन स्टेट में हम आ गए हैं. मुझे एक ए मिलता है जिसको मैं छोड़ के आगे चलता हूँ, राइट में चलता हूँ, मैं अभी भी क्यू वन स्टेट में हूँ. फिर मुझे वाई मिलता है, और मुझे इस वाई को भी छोड़ देना है और आगे बढ़ना है. ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे बी की तलाश है, वाई की तलाश नहीं है. सो वाई को हम वाई छोड़ के आगे राइट की तरफ मूव कर जाते हैं. जैसे मूव करते हैं यहाँ पे पहुँचते हैं, और ये मेरा बी सिंबल है, मैं इसको वाई में कन्वर्ट करता हूँ. सो क्यू वन से मूवमेंट क्यू टू स्टेट की तरफ हो रहा है, जिसमें कि स्मॉल बी को वाई में कन्वर्ट करके हम लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं. सो हम लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, इसका मतलब हम इस वाले स्टेट पे आ रहे हैं. जो सेकेंड बी था उसको हम कन्वर्ट करके लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं. लेफ्ट में जो वाई है अभी फिलहाल मेरे काम का नहीं है, मैं इसको वाई ही छोड़ के अगेन लेफ्ट में मूव करता हूँ. लेफ्ट में मुझे ए मिलता है, और इसको भी मैं ए ही छोड़ के लेफ्ट की तरफ फर्दर मूव करता हूँ. अब मुझे एक एक्स मिला, जैसे एक्स मिला मैं क्यू टू स्टेट से क्यू वन क्यू जीरो स्टेट में आता हूँ. एक्स को एक्स छोड़ के मैं राइट में मूव करता हूँ. तो अगर मैं एक्स को एक्स छोड़ के राइट में मूव करूंगा, डिमार्केशन में ठीक है, एक्स को एक्स छोड़ के मतलब अभी मैं यहाँ था, इसको एक्स ही छोड़ के मैं राइट में जब मूव करूंगा तो मैं ए पे पहुंचूंगा,
इस ए को मैं एक्स में कन्वर्ट कर दूंगा, तो क्यू जीरो से हम क्यू वन स्टेट की तरफ मूव किए, आगे मूव करते हैं, जितने भी वाई मिलेंगे मैं उनको छोड़ते छोड़ते आगे चलता चलूंगा, तो मैं अभी भी क्यू वन स्टेट में हूँ क्योंकि वाई को वाई छोड़ के राइट में जाना है। फिर इसके बाद मुझे बी मिलेगा स्मॉल बी, जिसको मैं वाई में कन्वर्ट करके लेफ्ट की तरफ मूव करूंगा। मैंने इसको वाई में कन्वर्ट कर दिया और अब मैं लेफ्ट की तरफ मूव करूंगा। लेफ्ट की तरफ मूव करने का ये मतलब है कि मैं लेफ्ट में मुझे वाई मिलेगा, इस वाई को मैं वाई छोड़ के ही लेफ्ट में चलूंगा, अगेन वाई मिला, वाई को वाई छोड़ के हम लेफ्ट में चले, क्यू टू स्टेट में ही है। मुझे एक्स मिला, जैसे एक्स मिला उसको मैं एक्स छोड़ के आगे की तरफ चला। इस एक्स का मतलब ये है कि मुझे एक ऐसा कैरेक्टर मिला है जो कि ए से एक्स में कन्वर्ट हुआ था, तो इसको छोड़ के हम राइट की तरफ आगे मूव करते हैं। हम राइट की तरफ मूव करते हैं तो आपको वाई दिखता है, लेकिन इससे पहले जब आप देख रहे थे तो जब एक्स के राइट में आपको एज दिख रहे थे, ये बताता है कि जितने भी एज थे वो सारे एक्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि कहीं कोई बी तो नहीं रहेगा, इसलिए हम अब क्यू जीरो स्टेट में हैं और क्यू जीरो स्टेट से आगे की तरफ जा रहे हैं। मुझे वाई मिला है, मैं उस वाई को वाई ही छोड़ के राइट की तरफ आगे मूव कर रहा हूँ, और लेट्स से मैं क्यू थ्री स्टेट में पहुंचता हूँ। और वाई अगर मुझे मिलेंगे तो मैं उसको भी ऐसे ही छोड़ के राइट की तरफ मूव करूंगा, वाई को वाई छोड़ के मैं राइट की तरफ मूव करता हूँ। जैसे आप थर्ड वाले वाई को छोड़ के आगे की तरफ मूव करते हैं, आपको एक ब्लैंक दिखता है, और जैसे ही आपको एक ब्लैंक दिखेगा आप कहेंगे कि यस, मुझे सेम नंबर ऑफ एज थे जिसको हमने एक्स में कन्वर्ट कर दिया था, और मुझे सेम नंबर ऑफ वाइज बीज मिले जिसको मैंने वाई में कन्वर्ट कर दिया है। तो ब्लैंक मिलने का मतलब क्या है कि दिस इज द केस इन विच आई कैन रीच टू द फाइनल स्टेट। लेट्स से ये क्यू एफ है, फाइनल स्टेट है, इसको डबल सर्कल से मार्क कर देते हैं। तो ब्लैंक मिलने पे आप उसको ब्लैंक ही छोड़ रहे हैं और राइट की तरफ जा रहे हैं। आप ऐसा भी कर सकते थे कि इसको ब्लैंक छोड़ के लेफ्ट में जा सकते थे, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम इसको टर्मिनेट ही करने वाले हैं, तो टर्मिनेशन के दौरान लेफ्ट जाइए या राइट जाइए, इससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ता है। इस तरह से हम लोगों ने ए पावर एन और बी पावर एन के लिए, अगर एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, इसके लिए एक ट्यूरिंग मशीन डिजाइन कर ली। तो जो हमने ट्यूरिंग मशीन डिजाइन की है उसमें स्टेट का ट्रांजिशन हमने शो किया है, और स्टेट के ट्रांजिशन में तीन एलिमेंट्स हैं। एक ए है जो कि इनपुट को डिनोट करता है, दूसरा ये वाला सिंबल जो डिनोट करता है कि हमने इस ए को किस में चेंज कर दिया टेप में, किस कैरेक्टर में, किस अल्फाबेट में, और उसके बाद फिर लेफ्ट या राइट मूवमेंट है जो हमें ये बताता है कि हमें टेप पे लेफ्ट मूव करना है या टेप पे राइट मूव करना है। इस तरह से हम लोगों ने एक पहला ट्यूरिंग मशीन डिजाइन कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।